तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है शेख इमरान। दोस्तों अभी अपने पास में एक डिश टीवी का बॉक्स आया है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि ये आगे भी नहीं हो रहा है, पीछे भी नहीं हो रहा है, मतलब हैंग ऐसा हो गया है। रिमोट के बटन दबाने के बाद में भी देखो रिमोट काम कर रहा है, रिमोट काम कर रहा है लेकिन ये आगे भी नहीं हो रहा है और पीछे भी नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसे अपने को रिपेयर करना है। अब मैं इसको रिपेयर करता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ रिपेयर हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार आया दोस्तों अपने पास में इस तरह की प्रॉब्लम। उसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर होती है तो मैं आपको बता दूँगा कैसी हुई, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कचरा उसमें से निकल गया दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूँगा ये पूरा कचरा निकल गया है। और हमें इसको पेट्रोल से जो है साफ कर लेना है, हल्का हल्का पेट्रोल डाल के, इस तरह का पेट्रोल, ये पेट्रोल डाल दिए सर दोस्तों, पेट्रोल डाल के वो हल्का सा साफ कर लो दोस्तों। और इसे साफ़ करने के बाद में एक बार चालू कर सकते हो दोस्तों, और नई जो हुआ तो इसमें अपनी कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। अगर हो गया तो पैसा बन गया, नहीं हुआ तो जैसा का वैसा पैक करके कस्टमर को वापस कर दो। नहीं हो रहा है फिर वो आप कंपनी से तो दूसरा मिल जाएगा, और इसमें टेंशन घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, करके देखना ज़रूरी है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो आपका पैसा बन गया, नहीं हुआ तो उसको पैक करके वापस दे दो, और करते रहना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई टेंशन नहीं है, करने से सीखेंगे। अब ये पूरा हो गया साफ, इतना धूल उसके अंदर जमा था। देखो दोस्तों डब्बे में, इसके कवर में, तो पूरा पहले साफ कर लो, इस तरह का साफ कर लो। इसमें हैंग प्रॉब्लम थी, मतलब एक ही जगह अटक गया था दोस्तों, ये ना आगे हो रहा था ना पीछे हो रहा था, बस ऑन होकर सिर्फ डिश टीवी लिख के आ रहा था दोस्तों इस बॉक्स में। चलो एक बार हम इसे ऐसे ही लगा के देखते दोस्तों, बिगर पैक किए एक बार देखते दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखो दोस्तों ये बॉक्स चालू हो गया दोस्तों, अभी नो सिग्नल लिख के आ रहा है। पहले ऐसा हो रहा था कि एक जगह पे अटक जा रहा था दोस्तों, कैसे जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है एक मिनट दोस्तों, ये इस तरह का ऑन हो रहा है, ऑन होके लोडिंग हो रहा है दोस्तों। पहले लोडिंग नहीं हो रहा था, डायरेक्ट डिश टीवी ही लिख के आ रहा था, और लाइट भी ब्लिंग हो रहा था और ग्रीन नहीं हो रहा था दोस्तों, अभी ग्रीन हो रहा है। तो अभी लोडिंग हो गया, बस इस तरह का इतना ही लिख के आ रहा था दोस्तों, इसके आगे कुछ भी नहीं आ रहा था उसमें, अब इतना लिख के आ रहा है, आगे भी बढ़ गया दोस्तों। तो अभी अपन इसे वापस कस्टमर के घर में लगा के चालू करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि नो सिग्नल आ रहा है बार बार, सब कुछ सही है, मीटर में अपने सिग्नल वगैरह सब बता रहा है, सैटेलाइट मीटर में सिग्नल वगैरह सब बताने के बावजूद भी अगर नो सिग्नल आ रहा है दोस्तों, तो कई बार तो अडैप्टर का प्रॉब्लम हो सकता है, ये ऐसा अडैप्टर के प्रॉब्लम भी हो सकता है, और या फिर इसके अंदर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वट्टी है। तो खर्चा कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ थोड़ा सा पेट्रोल डालो उसमें और उसको साफ़ कर लो 10-15 मिनट के बाद में, या 2-3 मिनट के बाद में मतलब सूख जाए पेट्रोल, उसके बाद में आप चालू कर सकते हो दोस्तों, आराम से चालू हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैंने किया है दोस्तों। और 200-250 रुपये अपन ले सकते हैं अगर बन गया तो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बन गया तो पैसा, नहीं बना तो वापस पैक करके दे दो। इसी बहाने अपने को सीखने मिल जाता, बॉक्स को खोल के देखने मिल जाता। और ये जो लपलप लपलप हो रहा है दोस्तों, ये कैमरे में ऐसी दिखती है, मोबाइल के कैमरे में ब्लैक, ये टीवी, ये पुरानी टीवी है दोस्तों, एलईडी जो है वो सही दिखती है, ये इस तरह की दिखती है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे वापस पैक करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक लिख के आ गया इसका मतलब चल हो गया, क्योंकि ये जो है कस्टमर के घर से मैंने रिमोट लाया नहीं है दोस्तों, तो ये अपना रिमोट जो है काम नहीं कर रहा है।
इस पे। तो देखते हैं दोस्तों, इसको कस्टमर के घर ले जाके लगाता हूँ, शायद तो चालू हो गया है, ठीक है। वो उसके आगे लिख के नहीं आ रहा था दोस्तों, अभी लिख के आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ओके, गुड बाय दोस्तों। आप देख सकते हो, और वापस इसको पैक भी कर देते हैं दोस्तों। पैक करने के लिए इसको पहले तो बंद कर दो, बंद करके ये जो है हट, अब इसको अपन पैक कर देते हैं दोस्तों। इतनी धूल थी दोस्तों इसके अंदर, इतनी सारी धूल थी। ये धूल मिट्टी से भी कई बार ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो अब अपन इसको वापस से पैक करेंगे। पैक करना और खोलने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आराम से पैक हो जाता है, आराम से खुल भी जाता है। बस ये पैक हो गया। अब यहाँ पे है इसको अपनी ये वाले, दो ही स्क्रू रहते दोस्तों इसमें, ज़्यादा स्क्रू रहते नहीं है, दो स्क्रू है, दो स्क्रू लगा दिए, दो स्क्रू खोल दिए। और मैंने आपको बताया इस तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों इसमें, तो इसका यही सलूशन है। ज़्यादा कुछ तो करने का नहीं है, तो इसको खोलना है, खोल के इसको पेट्रोल से साफ सफाई कर लेना है। सफाई कर लिए, पैक हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो अभी एक बार इसको कस्टमर के घर ले जाके लगाते हैं और फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है।